सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है परम्यूटेशन। देखिए अभी हम इनका डिफरेंस भी निकालेंगे। एक्चुअली में अगर देखिए 2 मिनट लगेंगे मुझे ये चीज समझाने में आपको कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है ना। एक्चुअली वो समझे उसके बाद फिर हम ये जो फॉर्मूलेस हैं और इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। देखिए परम्यूटेशन क्या होता है, जैसे देखिए मेरे पास है बॉल, ठीक है, 1 2 3 मेरे पास ये 3 बॉल है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैं पिक करता हूं यहां से बॉल, 2 बॉल पिक करने, मुझे इन 3 में से कितने बॉल पिक करने, 2 रैंडमली, ठीक है। देखिए जैसे मैंने पहली बार जब बॉल उठाए तो वो थे पहला और दूसरा, ठीक है, ये दोनों मैंने इकट्ठे उठाए। फिर उसके बाद मैंने दूसरा और तीसरा इकट्ठे उठाए, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा और पहला, ठीक है। 3 बॉल हैं, 3 में से मैंने कोई 2 बॉल उठाने, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब कि या तो मैं 1 और 2 उठाऊंगा या 2 और 3 उठाऊंगा या फिर 3 और 1 उठाऊंगा। देखिए अभी इसी चीज को दोबारा से आपने समझना, क्या है, मैंने 1 और 2 इन 2 बॉल को उठाया, मैं 2 और 1 को भी तो उठा सकता हूं, है ना। मतलब ये मेरे पास पहला बॉल है और ये दूसरा बॉल है, एक हैंड में मेरे 1 है और दूसरे हैंड में ये है, तो ये इधर भी तो हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकते हैं, उसी तरह से 2 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, और 3 2 भी हो सकता है। अभी आपको यहां से क्लियर हो जाएगा, आज के बाद आपको परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंस है वो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है ना। फिर आपके पास 3 नंबर वाला बॉल हो सकता है इधर और 1 नंबर वाला, या फिर 1 नंबर वाला और 3 वाला, मतलब आपके हैंड में मान लेते हैं आपके राइट हैंड में ये 1 नंबर वाला बॉल है और लेफ्ट में 2 नंबर वाला बॉल है, आपने उठाए 3 बॉलों में से 2 बॉल उठाने, ठीक है। आपके पास राइट हैंड साइड पर भी तो 2 नंबर वाला बॉल जा सकता है, लेफ्ट हैंड साइड पर 1 नंबर वाला आ सकता है, तो समझे आप यहां आपके पास पॉसिबल केसेस कितने हैं, यहां पर कितने केसेस में आप यहां पर बॉल को उठा रहे हैं, कितने केस बन रहे हैं पूरे, तो 1 2 और 3, ठीक है ना। ये वो केसेस हैं जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है ना, ठीक है। और ये वो केसेस हैं, मतलब टोटल केसेस बन कितने सकते हैं पूरे, ठीक है ना, पूरे कितने बन सकते हैं, कितने पॉसिबल चांसेस बन सकते हैं यहां पर। तो यहां पर आप देखें पूरे कितने हैं, 6, समझे आप बात को, ठीक है, कितने हैं, 6। और जब आपके पास इस तरह से हो, मतलब टोटल चांसेस जो बन सकते हैं उन बॉल्स को उठाने में वो है 6, तो उस केस में उसको बोलते हैं क्या, परम्यूटेशन, ठीक है, परम्यूटेशन, ठीक है ना। और ये 3 क्या है, ये वो है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, ठीक है, ये रिक्वायर्ड, ठीक है। ये होता है डिफरेंस किसके बीच में, परम्यूटेशन के बीच में और कॉम्बिनेशन के बीच में, ये है परम्यूटेशन, ठीक है, मतलब टोटल चांसेस, टोटल, ठीक है ना, टोटल चांसेस या टोटल पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। अब 2 बॉल उठाने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं टोटल अगर बात करें तो 6 हैं, उसी को आप बोलेंगे क्या, परम्यूटेशन। और जो पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब रिक्वायर्ड जो पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी है, यहां पर 3 है, उस केस में आपके पास क्या बनेगा, वो कॉम्बिनेशन। देखिए सी से होता है कॉम्बिनेशन, सी से क्या होता है, कॉम्बिनेशन, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, इस कॉम्बिनेशन का, ठीक है। और पी, पी आपके पास क्या होता है, परम्यूटेशन, ठीक है, तो ये हुआ किसका, परम्यूटेशन का। अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ हम करेंगे क्वेश्चन जो डिस्कस वो करेंगे किसके ऊपर, परम्यूटेशन के ऊपर, ठीक है। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको, देखिए ये वीडियोस 2 होंगे यहां पर, ठीक है, अभी एक ये देख रहे हैं, उसके बाद एक दूसरी और डालूंगा, वो किस पर होगी, परम्यूटेशन पर, ठीक है। तो इसके साथ इसके क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है, अभी आप उनको देखें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए अभी हम सबसे पहले जिन क्वेश्चंस करेंगे परम्यूटेशन के ऊपर, ठीक है जी, यहां पे देखें आप, देखिए सबसे पहले हम करेंगे किसके ऊपर, नॉन रिपीटेड, चल जा, नॉन रिपीटेड
लेटर्स, ठीक है, लेटर्स हूं या फिर क्या हूं, नंबर्स, ठीक है, लेटर्स हूं या फिर नंबर्स, ठीक है। देखिए जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं, वर्ड लिखता हूं मैं, मान लेते यहां पर लिखा मैंने एजुकेशन, ठीक है। अभी हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं वो कौन सा है, परम्यूटेशन वाला, ठीक है। मैंने एक वर्ड लिखा एजुकेशन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये पूछा वो कि बताओ इसके कितने आप क्या कर सकते हैं, कितनी तरह से ये अरेंज हो सकता है, मतलब आप जिस तरह से हमने बॉल को देखा, एक दो दो एक, ठीक है ना, तीन दो दो तीन, तो ये इसको मतलब कितने टोटल पॉसिबिलिटीज निकालनी कि कितनी तरह से आप इस वर्ड को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या है आपके पास, यहां पे गिनना आपने, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ। देखिए ये नॉन रिपीटेड लेटर्स है, मतलब ई दोबारा यहां पर कहीं भी नहीं है, डी यहां पर दोबारा कहीं भी नहीं है, यू कहीं भी नहीं है, एक एक बार सारे लेटर्स आए हुए। तो उस केस में आपने क्या करना है, पूरे लेटर्स को गिनना है। तो पूरे लेटर्स कितने हमारे पास, नो, ठीक है ना, ये हुए नो लेटर्स, ठीक है। आगे आपने क्या करना है, फैक्टोरियल डाल देना है, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, यहीं पे आप समझाओगे, इसी क्वेश्चन में फैक्टोरियल का मतलब भी समझ जाना आपने, ठीक है ना, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो नाइन है, नाइन से आपने क्या करना, नीचे की तरफ आना, मल्टीप्लाई डालते रहना, ठीक है, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ठीक है। इस सारे को आप मल्टीप्लाई करो, जो आएगा आंसर वो ही इस एजुकेशन का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये नॉन रिपीटेड है, ये लेटर्स हो गए। अब मैं नंबर डालता हूं, जैसे मान लेते वन नाइन फोर थ्री, ठीक है। अब इसका आपसे पूछा जाए कि बताएं इसको अरेंज करके कितने टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है ना, कितनी तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो आपने गिनना है, एक दो तीन चार। लेकिन देखिए ये वो केस है जब आपके पास रिपीट नहीं हो रहा कुछ भी, वन है तो वन एक ही बार है, नाइन एक ही बार है, फोर एक ही बार, थ्री एक ही बार। तो आपने क्या करना है, एक दो तीन चार, ठीक है। आई होप आपको ये फैक्टोरियल का पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो चार है, चार से आपने क्या करना, नीचे की तरफ, ठीक है, चार जरबे तीन जरबे दो जरबे एक, जो चार तो बारह बारह दोनों चौबीस है ना। तो क्या हुआ, ये इसका आंसर हुआ, नंबर्स हो या फिर लेटर्स हो, ठीक है, नंबर्स हो या फिर लेटर्स हो, नॉन रिपीटेड हो, ठीक है ना, मतलब बीच में कोई आपको रिपीट नहीं है, तो उस केस में आपके पास इस तरह से होता है। अब देखिए जैसे मैं लिखता हूं W, वर्ड्स लिखता हूं W O, वर्ड्स लिखता हूं ऐसे, हाँ W W बूट कर देता हूं, है ना। तो इसमें आपके पास क्या होगा, इसमें आपने देखना है, एक दो तीन चार, चार फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल अपान करना है आपने। यहां पे देखना है रिपीटेड लेटर कौन सा है, देखिए ओ है, लेकिन ओ कितनी बार आया, दो बार आया है, ठीक है ना। अपान आपने टू फैक्टोरियल करना, कोई भी क्वेश्चन हो, नंबर हो, अपान अगर रिपीट हो रहा है ना, तो आपने क्या करना, अपान और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो भी लिख देना, ठीक है। तो यहां इसको सॉल्व करोगे, चार जरबे तीन जरबे दो जरबे एक अपान दो जरबे एक, ठीक है, तो जो होगा आपके पास वो आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये भी आपका, ये भी हुआ हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब इस तरह से अगर यहां पर क्या होता, यहां पर एक वर्ड और मान लेते, डी भी यहां पर क्या होता, एक डी और भी दिया होता, ठीक है। तो यहां पे आपके चार, यहां पांच फैक्टोरियल हो जाता, यहां कितना हो जाता, पांच फैक्टोरियल, ठीक। अपॉन क्या होता, फिर दो फैक्टोरियल तो है ये, ठीक है ना, और फिर दो फैक्टोरियल आपको और यहां पर लिखना पड़ता, ठीक है, दो फैक्टोरियल को यहां पर और लिखना पड़ता। तो पांच फैक्टोरियल अपॉन दो फैक्टोरियल मल्टीप्लाई दो फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई इसमें लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा मैंने, ठीक है। चलिए हाँ, तो देखिए आप इसको कितनी तरह से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूं यहां पर, अब मैं उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा
यहां पे हम लिखते हैं जैसे 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 आप देखें, मैं एक वर्ड लिखता, चलिए मैं एक वर्ड लिखता हूं, सी ए आर आर ओ एम, कैरम। ठीक है, बताइए इसकी रीअरेंज करके आपके पास इसमें कितनी तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो गिने एक दो तीन चार पाँच छः, सीधा आपने लिखा कर देना, वो सिक्स फैक्टोरियल कर देना। फिर आपने देखना है कि क्या कहीं बीच में कोई रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है तो फिर देखना है कितनी बार हो रहा है, दो और अपन क्या कर दोगे, दो फैक्टोरियल। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ठीक है, अपन क्या होगा, टू इंटू वन। ठीक है, तो टू इंटू वन और टू इंटू वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आप देखे हो छः पंजा कितना हो गया, तीस, और तीस चौका कितना हो गया, 120, 120 जब भी तीन करो तो कितना हो गया, 12 3 36, 360। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब दे मैं एक और करता हूँ, एक करता हूँ एरोकेन, ए आर आर ओ, चलो यार इसमें एक वर्ड और जोड़ लेते हैं, ए आर आर ट्रिपल कर लेते हैं, एरो, ये वर्ड नहीं है कोई, कोई इसका मीनिंग नहीं बन रहा, बट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर गिने कितने यहाँ पर वर्ड है, एक कितने लेटर्स हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लेटर्स हैं। ठीक है, आठ लिख दिए, आठ फैक्टोरियल अपान, गिने आप के ये रिपीटेड है कोई, हाँ है, आर कितनी बार है, दो बार है, दो फैक्टोरियल। उसके बाद ओ, ओ कितनी बार है, तीन बार है, फिर साथ में हाँ ए भी तो हो रहा है, ए कितनी दो बार आया हुआ है, तो दो फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए आठ, आठ का फैक्टोरियल क्या होगा, आठ जरबे सात जरबे छः जरबे पाँच जरबे चार जरबे तीन जरबे दो जरबे एक, अपान क्या हो जाएगा, अपान होगा दो फैक्टोरियल, तो दो का क्या बनेगा, दो मल्टीप्लाई एक होगा, फिर आगे तीन का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई तीन जरबे दो जरबे एक, फिर मल्टीप्लाई दो का फैक्टोरियल दो जरबे एक। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें ये तीन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये दो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, उसी के साथ ये दो दूना कितना हो गया चार, और यहाँ से चार क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा आपके पास ये 8 6 56 और 6 5 30, तो 56 मल्टीप्लाई 30, यहाँ पे आप कर सकते हैं, एक जीरो है तो जीरो को जैसा है वैसे ही रहने दें। ठीक है ना, 56 × 3 करना है, तो क्षेत्र कितना हो गया 18 8, एक बच गया, 5 3 15 और एक कितना हो गया 1680, आपके पास ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, आई होप आपको ये जो लेटर्स है, ठीक है ना, नॉन रिपीटेड हूं चाहे रिपीटेड हूं, उसके बारे में आप आज आपको इसके कंप्लीट पता चल गया होगा, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको आई होप समझ चल चुका होगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो मिस नहीं करना है, ठीक है ना। अब जो परम्यूटेशन पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, अब अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं यहाँ पर आपको दूसरी वीडियो में दूंगा। अभी सिर्फ मुझे ये आपको ये डिफरेंस जो था वो क्लियर करना था, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, और उसके साथ इस पर जो एक बेसिक से क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए, नंबर्स हों चाहे लेटर्स हों, फिर उसमें चाहे रिपीटेड हों या फिर नॉन रिपीटेड हों, ये आपने ध्यान रखना है, रिपीटेड हों चाहे फिर नॉन रिपीटेड हों, मैंने आपको दोनों करवा दिए, ठीक है ना। अगर नॉन रिपीटेड है तो बिल्कुल सीधा एक फैक्टोरियल लगेगा, जैसे 7 लेटर्स है तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, सीधा आंसर करना है, ठीक है ना। 8 है तो 8 फैक्टोरियल अगर नॉन रिपीटेड लेटर्स हैं, लेकिन अगर रिपीटेड है तो सिर्फ इतना ही काम करना है आपने कि डिवाइड करना है, और वो लिखने के वो रिपीटेड वाले हैं कितने, ठीक है, और उससे आपने आंसर को क्या करना, सॉल्व करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ आया होगा, अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसमें वीडियो को भी आपने लाइक जरूर कर देना। चलिए अब हम इसको करते हैं यही पर स्टॉप, टेक केयर।